नमस्कार साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सपरिवार स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर उनके लिए जो लोग इस बार आरओ यारओ और पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं। दिसंबर में आपकी दोनों परीक्षाएँ लगभग होने वाली हैं, ठीक है। और इन दोनों परीक्षाओं में कैसे आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर सकते हैं, और खासकर वो लोग जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है। देखिए, जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं, जिनकी सभी विषयों पर पकड़ है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है, हाल ही फिलहाल शुरू किए हैं, या सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, सारे विषय नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन लोगों के लिए आज की रणनीति बहुत खास होने वाली है। वो लोग इस वीडियो को अवश्य ही देखें। हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जिसमें 50 से 60 प्रश्न आपके बड़े आसानी से हल हो जाएंगे और 100% सही भी हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, तैयार आपको करना है, ठीक है। और देखिए, कम से कम 50 से 60 प्रश्न आप लोग वहां से बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। और जीएस में 50-60 प्रश्न कम नहीं होते हैं, बस 20 से 30 प्रश्नों का आपको जुगाड़ और करना रहेगा, समझिए आपका प्री हो गया। आरओ की अगर बात करें तो दो पेपर होते हैं, जीएस का, हिंदी का, ठीक है। और अगर पीसीएस की बात करें तो जीएस और सीसेट, सीसेट का आपका क्वालिफाइंग होता है, जीएस के आधार पर आपकी मेरिट बनती है, ठीक। तो आरओ भी कैसे क्वालिफाई करेंगे, पीसीएस भी कैसे क्वालिफाई करेंगे, दोनों की रणनीति आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और एक एक चीज को समझना है कि जब तैयारी पूरी नहीं होती है, सिलेबस पूरा नहीं होता है, फिर भी कैसे प्रारंभिक परीक्षा को पास किया जा सकता है। ये तरकीब आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है। करना बिल्कुल आसान है, कोई उसमें मतलब कि इफ बट भी नहीं है, कि बहुत हेडिक भी नहीं लेना है। पढ़ना वही है जो वास्तव में अभी तक आप पढ़ते आए हैं, बस हम टॉपिक आपके जो है कैटेगराइज कर देंगे कि बस इन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी को आप लोग थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आरओ की मेरिट की बात करें तो 130 से 140 बीच में जानी है आपकी मेरिट, ठीक है। तो 100 मतलब हम मान ले, चलो 140 क्वेश्चन, हम मान ले 140 क्वेश्चन आपके 200 में सही होने चाहिए, ठीक है। और इस बार तो सुनने में आ रहा कि पेपर जीएस और हिंदी का एक साथ होगा 3 घंटे का, ठीक। अब चाहे अलग हो चाहे एक साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें कुल मिला के 140 प्रश्न का 140 का टारगेट रखना है कि 140 क्वेश्चन हम कैसे प्राप्त करें हिंदी और जीएस को मिला करके, ठीक है। ये हमारी आज की कोशिश होगी। तो तैयारी आपकी नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन अपने आप एक जोश रखें, एक मोटिवेशन रखें कि नहीं, हम फिर भी इस बार मेंस देंगे, चाहे आरओ का मेंस दें, चाहे पीसीएस का दें, या फिर दोनों दें, मेंस इस बार हम जरूर देकर रहेंगे और अंतिम सिलेक्शन भी लेंगे। सिर्फ मेंस ही नहीं देंगे, अंतिम सिलेक्शन लेंगे, एक सीट हम खींच के लाएंगे, लोक सेवा आयोग से छीन के लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, एक सीट तो इस बार छीन के रहना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि यार इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने सालों से लगे हो, मतलब हक तो बनता है ना। और इस बार आरओ में भी भयंकर सीटें हैं, एकदम से बम्पर वैकेंसी है, और पीसीएस में भी 1100 पोस्टें हो रही हैं, तो क्यों नहीं एक सीट मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा हट के तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसी हट के तैयारी करने का हमें लाभ क्या होने वाला, वो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक आपको हम देंगे, ठीक है, कि 60 प्रश्न का हमारा यहाँ पर टारगेट है, 50 से 60 प्रश्न का। इन टॉपिक से 50 से 60 प्रश्न आने ही आने हैं, वही हमें कैसे तैयार करना है। देखिए, टॉपिक आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए। पहला हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स, दूसरा हमारा है यूपी स्पेशल, जनगणना जिसमें आपकी भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना, नगरीकरण, नगरीकरण आपका जो है विश्व में नगरीकरण, भारत में नगरीकरण और यूपी में नगरीकरण, ठीक है। करंट अफेयर्स आप पिछले एक साल का एकदम से पढ़ जाइए, रट डालिए, चाट डालिए, घोल के पी जाइए एकदम से, चाहे जैसे भी, ठीक है। यूपी स्पेशल में पूरा पढ़ डालिए, और जो भी यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न हैं जो अभी तक आए हैं, कहीं भी आपको मार्क मिल जाएंगे, सारे प्रश्न हल्का डालिए। जनगणना, नगरीकरण हो गया, आंकड़े पढ़ डालिए सारे, जैसे कि खनिज के हैं, मिनरल्स के, खाद्यान्न के हैं, अनाजों के, मत्स्य के हैं, सेरिकल्चर है, रेशम, इस जितने भी आंकड़े हैं सारे आंकड़े पढ़ डालिए।
इसके अतिरिक्त कृषि कृषि से संबंधित टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि से संबंधित टॉपिक पूरा कवर कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आपको वन रिपोर्ट पढ़नी है, इसके बजट और आर्थिक समीक्षा, ठीक है, केंद्रीय बजट, यूपी बजट और आर्थिक समीक्षा, और साथ में एक चीज आपको और जोड़नी है, रीजनिंग, रीजनिंग आपको और तैयार करनी है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ रीजनिंग के, जिसमें 2-3 प्रश्न होते हैं मैथ के, मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं 8 से 10 प्रश्न आपके होंगे रीजनिंग के। तो रीजनिंग आप लोग पढ़ डालिए, कोई भी एक बुक उठा लीजिए, उनको उससे उसको लगा डालिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र है उनके आधार पर आप कैसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए रीजनिंग। इतने टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो 50 से 60 प्रश्न सही होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अभी हम जीएस पर टच नहीं किया है, जीएस में 5 विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस, किसी विषय को टच नहीं किया है, लेकिन 50 से 60 प्रश्न आपके यहाँ से सही हो जाएंगे और इन टॉपिक से आते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, ठीक है। करंट पर आपको विशेष फोकस करना है, और सबसे बड़ी पता कमी क्या होती है आप लोगों की, आप लोग टेस्ट सीरीज हल नहीं करते हैं, पढ़ तो बहुत लेंगे, साल भर 2 साल से पढ़ते आ रहे, लेकिन एग्जाम के टाइम पर जो सबसे मेन थिंग होती है वो होता है कि जितने से ज्यादा जितना ज्यादा ज्यादा हम लोग टेस्ट पेपर हल करेंगे उतनी हमारी तैयारी अच्छी होती है। टेस्ट पेपर हल करने का फायदा ये होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम 2 विकल्प और 3 विकल्प बीच में फंस जाते हैं और अंत में गलत विकल्प पर टिक लगा के आते हैं, वो गलतियां अगर हमने यहाँ पर कर ली, टेस्ट पेपर यहाँ पर हल कर लिया और ये कन्फ्यूजन से हम बाहर निकल गए, तो जो कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा था वो कन्फ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगा और आप लोग वहाँ पर सही प्रश्न पर टिक करके आएंगे, सही विकल्प पर टिक करेंगे। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स की सीरीज, हिंदी की सीरीज, आरओ की सीरीज, जीएस की, ये सारे हमारे डीपी एडुकेटर एप्लीकेशन पर चल रही है, उनको ज्वाइन कर लीजिए और उनको अच्छे से 2-2, 3-3, 4-4 बार जितना हो सके उतने बार हल कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। पढ़ाई आप कितना भी कर लें, अगर आपने टेस्ट पेपर हल नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्री कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप टेस्ट पेपर हल नहीं करें, जब तक आप उस फॉर्मेट में नहीं आएंगे कि जिस फॉर्मेट में आपको बैठना है एग्जामिनेशन हॉल में, पढ़ाई तो बहुत की है लेकिन आपको फॉर्मेट भी तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस फॉर्मेट में आएगा, लिखने वाला नहीं है, टिक करने वाला है, बहुविकल्पी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, वहां पर आपको प्रश्न देखना, टिक लगाना है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, ये भी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट पेपर आप लोग अधिक से अधिक हल करें, ठीक है, उसके लिए आप लोग डीपी एडुकेटर एप्लीकेशन जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। करंट की अलग सीरीज चल रही है, पूरे आपको साल भर का करंट मिलेगा, हिंदी की अलग सीरीज है, आरओ की है, पीसीएस की है, क्रैश कोर्स सब चल रहा है, जो आप लोग ज्वाइन करना चाहें, ठीक है। तो इन टॉपिक से आपको 50 से 60 प्रश्न मिल गए। अब अगर हम आरओ की बात करें, आपको 140 प्रश्न सही कर लें, मान लेते यहाँ से आपके हम 60 प्रश्न सही हो गए, हिंदी में 60 में आपके चलो मान लेते 50 ही है, मतलब 50 से ऊपर होना चाहिए, हालांकि 55 होना चाहिए, फिर भी मिनिमम मान लेते 50, तो 60 और 50 110 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब आपको 110 यहाँ हो गए, आपको 30 प्रश्न आपको हल करने हैं सही, कहाँ से, जीएस से। यार जीएस इतना पढ़ रखा है, क्या 30 प्रश्न आप हल नहीं कर पाएंगे सही, कर लेंगे भाई, लेकिन जब तक ये टॉपिक आपके स्ट्रांग नहीं होंगे, हिंदी आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप आरओ का प्री नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से पीसीएस में भी है, सीसेट आपका क्वालिफाइंग है, 33-35-40 क्वेश्चन कर दीजिए, सीसेट क्वालिफाई हो जाए, जीएस में आपको फोकस करना है, ठीक है। जीएस में आपको जितने टॉपिक बताए हैं सेम रणनीति आपको पीसीएस के लिए, प्लस जो 25-30 क्वेश्चन है जीएस में, अगर आपका समझो कि 90 अगर सही हो गया, 90+, ठीक है, तो पीसीएस प्री आपका बड़े आराम से हो जाएगा। इस बार तो बंपर सीटें हैं भाई साहब पीसीएस में, 1100-1100 सीटें हो जाएंगी, आरओ में भी समझो 450+ सीटें, इसमें करीब 350 अकेले जो सब किसकी हैं, आरओ समीक्षा अधिकारी की हैं, वो भी जिसमें सबसे ज्यादा सचिवालय की हैं, तो भाई साहब देर किस बात की कर रहे हो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जीवन में, जान लीजिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ना आरओ के लिए ना पीसीएस के लिए। इसलिए जी जान एकदम लगा दीजिए, अपनी रणनीति को बदलिए, जैसे मैंने बताया वैसे पढ़िए, टेस्ट पेपर हल करिए, मैक्सिमम अधिकतम टेस्ट पेपर हल करिए, समय उसी का है, 1.5-2 महीने का समय बचा हुआ है, लगा दीजिए एकदम से, कम सोइए, कम दोस्तों से बात करिए, घर पर कम बात कम करिए, एकदम से कमरे में बंद हो जाइए और अपनी एकदम तैयारी को बहुत बढ़िया कीजिए, तभी इस बार सिलेक्शन आपका हो पाएगा, ठीक है। और इस बार अगर सिलेक्शन ना हुआ तो आरओ कब आएगा कोई पता नहीं, ठीक है, पीसीएस में अगली बार कितने पद होंगे कोई पता नहीं, मौका है एक पद प्राप्त करने का, ठीक है। तो मेरी आपसे निवेदन है, विनती भी है, साथ साथ शुभकामनाएं भी है कि आप लोग जो हमने रणनीति बताई है उसको फॉलो करिए,
ठीक है, तभी आपका भला हो सकता है, आपका आपके परिवार का तभी उद्धार हो सकता है। एक सीट आपको लेनी है, सिलेक्शन लेना है, सचिवालय आना है, पीछे सरकारी बनना है। बोलो जय हिंद।